सो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे अपनी ये जो शीट नंबर 2 है, ट्राइंगल एंड इनइक्वालिटी। इसमें डिटेल्स में बहुत सारे कंसेप्ट है, मैं कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं करना चाहता, उसको डायरेक्ट आपको रिजल्ट नहीं बताना चाहता। मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें कराऊंगा विद प्रूफ और एक विद लॉजिक्स होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन इज ऑल अबाउट व्हाई, है ना, कि ये चीज हो क्यों रही है। और उसमें मैं क्वेश्चन इतने ज्यादा कराऊंगा कि आपको सब कुछ रट जाएगा। लाइन एंड एंगल से मैंने 60 के आसपास क्वेश्चन करा, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपके काफी सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 58 के आसपास, कुछ 60 के आसपास क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो जानते हैं कि ट्रायंगल है क्या। तो ट्रायंगल है 3 भुजाओं से घिरी आकृति को ट्रायंगल कहते हैं ना। ए फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल, ठीक है। और त्रिभुज जो है वो सबसे छोटा पॉलीगन है, सबसे छोटा बहुभुज है, क्योंकि कोई भी बहुभुज बनने के लिए मिनिमम 3 साइड चाहिए ही चाहिए। त्रिभुज में 3 वर्टेक्स होते हैं। अब जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे ये सपोज आपका एक ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरा हुआ है। तो त्रिभुज का नाम दिया जाता है इस तरीके से, ए बी सी, इस तरीके से हो गया त्रिभुज एबीसी। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ट्रायंगल एबीसी, इस तरीके से इसको लिखते हैं। ये हो गया आपका वर्टेक्स ए, शीर्ष ए, ये हो गया वर्टेक्स बी, हो गया वर्टेक्स सी, क्लियर है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं एबीसी। ये हो गया इंटीरियर एंगल ए, इंटीरियर एंगल बी, इंटीरियर एंगल सी। तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी, यानी कि 3 साइड होती है। तो त्रिभुज में 3 एंगल्स, 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स, 3 परपेंडिकुलर, 3 मीडियन, 3 हाइट, सब कुछ होता है, क्लियर है। अब बताइए इसमें कोई डाउट है, आसानी से चीज थी। चलिए ना, अब इसको, इसके बाद हम देखते हैं कि ट्राइंगल होते कितने टाइप के हैं, है ना। ट्राइंगल होते कितने टाइप के, तो ट्राइंगल में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होते हैं एंगल्स और एक होती है साइड्स। तो ट्राइंगल को एंगल्स और साइड के बेसिस पे अलग अलग डिवाइड किया गया। तो ट्राइंगल को हम जो ट्राइंगल के टाइप्स हैं वो 2 तरीके से सीखेंगे। एक तो ट्राइंगल क्या है, बेस्ड अपॉन एंगल्स, है ना, कि एंगल्स के बेसिस पे ट्राइंगल को किस टाइप से बांटा गया है। तो ट्राइंगल को एंगल्स के बेसिस पे 3 टाइप में बांटा गया है। पहला है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब न्यून कोण त्रिभुज, क्या होगा न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा तुम्हारा, न्यून कोण त्रिभुज, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों एंगल क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो। त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो, क्लियर है। लेकिन वो कैसा होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज, जैसे यहां पे आपका एक न्यून कोण त्रिभुज दिखाएगा, इसके तीनों कोण जो है 90 डिग्री से छोटे। दूसरा होता है, ये एंगल के बेसिस पे मैं बता रहा हूं, दूसरा होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपका एक एंगल जो होता है वो क्या होता है, आपका 90 डिग्री का होता है। तो जैसे ये आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ये जो आपका एंगल बी है, यानी कि जो एंगल ए बी सी है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये क्या है आपका राइट एंगल है। तीसरा, राइट एंगल के बाद आपका होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मतलब विषमबाहु त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सो ये होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका एक एंगल जो होता है वो आपका ये 90 डिग्री से बड़ा होता है, मतलब ऑब्ट्यूस होता है, लाइक ए बी सी। तो इसमें ये जो आपका एंगल बी है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, बट लेस देन आपका 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल ये जो आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो ये कैसा त्रिभुज होगा आपका, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है हिंदी में भाई, ये होता है आपका समकोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये होता है आपका अधिकोण त्रिभुज, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको बहुत सारी नई बातें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली हैं, क्लियर है ना, यहां तक बात समझ में। चलिए, ये तो इजी था। चलिए इसके बाद एंगल्स के बेसिस पे हमने ट्रायंगल को डिवाइड किया, हमने एंगल्स को बेचा है, बेचा नहीं है, एंगल्स को डिवाइड किया है साइड्स के बेसिस पे, ठीक है ना, बेस्ड अपॉन साइड्स, ठीक है ना। साइड भुजाओं के आधार पर हमने ट्रायंगल को किस तरीके से बांटा है वो देखेंगे। तो ट्रायंगल को भुजाओं के आधार पर भी 3 तरीकों में बांटा है। सबसे पहला है आपका स्केलन ट्रायंगल, एस सी एल एन, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है विषमबाहु त्रिभुज। स्केलन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि कैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। एंगल ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें ये साइड ए बी ए स्मॉल सी हो गया, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है तो तीनों एंगल्स की लंबाई भी क्या होगी, सॉरी तीनों एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो वो ट्राइंगल कैसा होगा आपका, स्केलन ट्राइंगल होगा, क्लियर है, ठीक है ना। नंबर 2, दूसरा होता है आपका आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। सम द्वि का मतलब 2, आइसोसेलस 2 भुजाएं बराबर होती हैं, कैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें ये साइड ए बी साइड ए सी के इक्वल है, सपोज साइड ए बी जो है किसके इक्वल है, साइड ए सी के इक्वल है, तो कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। साइड बीसी चाहे बराबर हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, बस आपके साइड एबी साइड एसी के इक्वल होनी चाहिए। अगर आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल बी जो होगा किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। ये आपके आइसोसेलस ट्रायंगल से क्या है, निकल के आता है, कोई डाउट इसमें। तीसरा,
तीसरा होता है आपका इंपॉर्टेंट वन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, जैसे एबीसी स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल सी, सो ए बराबर बी बराबर सी, तीनों साइड्स क्या है आपस में इक्वल है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, त्रिभुज के तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, तीनों कोण आपस में बराबर है और तीनों कोण का सम 180 डिग्री है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है वो कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं ना, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के, क्लियर, गुड आउट। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन किया एंगल्स के बेसिस पे और साइड्स के बेसिस पे, ये सब आप लोगों को पता होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम नेक्स्ट चीज, यहां तक बात समझ में आई, क्लियर। अब आपको दो इंपॉर्टेंट, दो बेसिक सी बातें और जाननी है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये साइड स्मॉल ए, ये साइड स्मॉल बी और ये साइड आपकी स्मॉल सी, तो तीन भुजाएं हैं, तो त्रिभुज का यदि हमको निकालना हो, सपोज एरिया, त्रिभुज का मुझे निकालना है एरिया या क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये क्या होता है तुम्हारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्लियर है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगर मैं साइड BC को बेस मानता हूं तो उसके अपोजिट वर्टेक्स से यदि मैं इस तरीके से एक ऐसी लाइन खींचूं जिसपे परपेंडिकुलर हो, यहां पे आके 90 डिग्री एंगल बनाए, ये होती है त्रिभुज की हाइट। तो यदि मैं बेस A को बेस मानता हूं तो ये हाइट आएगी तुम्हारी H1, तो त्रिभुज का एरिया होगा 1/2 AH1, क्लियर है कि नहीं, 1/2 AH1। यदि मैं साइड AC को बेस मानता हूं, साइड B को बेस मानता हूं, तो इस तरीके से मैं अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा, तो यहां पे जाकर इसको उस तरीके से मिलेगा BU BE और ये ट्रायंगल की हाइट होगी H2, तो ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी कि 1/2 BH2, क्लियर। यदि मैं ट्रायंगल की साइड AB को बेस मानता हूं तो ये स्मॉल सी है, तो मैं अपोजिट वर्टेक्स की वर्टेक्स इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा और ये जाके आपको यहां पे इस तरीके से मिलेगा और ये ट्रायंगल की थर्ड हाइट बनेगी H3। तो ट्रायंगल में टोटल तीन हाइट होती है और वो एक ही पॉइंट से होके पास करती है, इसी पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट ट्रायंगल के तीन बेस होते हैं, किसी भी साइड का बेस मान लीजिए उससे परपेंडिकुलर डाली तो वो क्या आएगी तुम्हारी हाइट आएगी, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 AH1 बराबर 1/2 BH2 बराबर 1/2 CH3। यदि मैं साइड C को बेस मानता हूं तो हाइट कितनी तुम्हारी H3, तो इस तरीके से तुम्हारे ट्रायंगल के एरिया क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं, क्लियर है ना। So, ट्रायंगल के एरिया को डिनोट करते हैं डेल्टा से, डेल्टा होता है 1/2 AH1 बराबर 1/2 BH2 और बराबर 1/2 CH3, क्लियर है कि नहीं। यदि मैं देखूं तो यहां से हाफ 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 काट सकता हूं, तो ये बचेगा तुम्हारा AH1 बराबर BH2 बराबर CH3, यही तो बचेगा यहां से, ये मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए कि नहीं, यानी कि बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट आपस में बराबर होता है। यदि मैं यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना चाहूं या फिर मैं यहां से H1 रेशियो H2 रेशियो H3 निकालना चाहूं, ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड का रेशियो निकालना चाहूं, तो ये बराबर किसके हो जाएगा तुम्हारा, 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C, ये हो जाएगी नहीं। मैंने आपको रेशियो पर क्वेश्चन में पढ़ा दिया है कि H1 H2 H3 का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, हमेशा 1/A रेशियो 1/E रेशियो 1/C साइड्स के रेसिप्रोकल के रेशियो में होगा, क्लियर नहीं। यदि आप इसको सपोज 1 मान लोगे तो H1 की वैल्यू 1/A, H2 की वैल्यू 1/B, H3 की वैल्यू 1/C, यानी कि H1 रेशियो H2 रेशियो H3 कितना होगा, 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C, क्लियर है ना। तो ये थी ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड चीजें, क्लियर है, इसमें कोई डाउट, ये तो आसान है, गुड। नेक्स्ट आप देखते हैं एक और सिंपल सी चीज, ठीक है भाई, चलो ना, इसके बाद हम देखते हैं कि यदि हमको ट्रायंगल की हाइट ना दियो, ट्रायंगल की तीनों साइड्स दियो, तब हम ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये सपोज आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये साइड हो जाएगी स्मॉल ए, ये साइड हो जाएगी स्मॉल बी और ये साइड हो जाएगी स्मॉल सी, तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है, वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है आपका पेरीमीटर, क्लियर। यदि हम ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर की बात करें, अर्ध परिमाप की बात करें, सेमी पेरीमीटर एस, तो सेमी पेरीमीटर एस जो होगा वो क्या होता है, त्रिभुज की तीनों मतलब परिमाप को क्या होता है, आधा होता है, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ के क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो ये क्या आएगा आपका सेमी पेरीमीटर एस आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, क्लियर ना। यदि मुझे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां दे रखी हूं ए बी सी, क्लियर है, तो सेमी पेरीमीटर ये होता है। और त्रिभुज का एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यदि आपको ट्रायंगल की क्या पता हो, तीनों साइड्स पता हो, तो त्रिभुज का जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो ये होगा आपका हीरोन्स फॉर्मूला, ये होता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने का, क्लियर है, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरो नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के मैंने दो तरीके आपको बताए, वैसे तो एरिया निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी के लिए सिर्फ आप इन्हीं दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे, ये बातें भी आपको पता होंगी, चलिए ठीक है, चाहे आप आते हो या ना आते हो, मुझे सारी चीजें डिस्कस करनी है, एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस का लेवल आप देखोगे तो वो आपको पता चलेगा, ठीक है, चलिए। इसके बाद हमारे पास एक स्पेशल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल,
हमारे पास एक स्पेशल त्रिभुज है राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो जैसे ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है लाइक ए बी और ये हो गया तुम्हारा सी, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें ये एंगल सी जो है ये 90 डिग्री है, एंगल सी क्या है इसमें 90 डिग्री है, क्लियर है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स के सामने स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, या क्या हो गया आपका स्मॉल सी हो गया। तो 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होगा राइट एंगल में, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, बाकी दोनों जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो स्मॉल सी क्या होता है, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, क्लियर ना, कारण। और ये क्या होती है ट्राइंगल की, क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड होती है, ट्राइंगल की क्या होती है लार्जेस्ट साइड होती है, हाइपोटेनियस क्या होती है ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है आपकी हाइपोटेनियस होती है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट, ये तो बहुत आसान है, हाइपोटेनियस कारण इज लार्जेस्ट साइड, ओके। इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल में एक स्पेशल थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर क्या होता है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर ना, सी स्क्वायर बराबर क्या होता है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है किसी को, ठीक है। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, वो अदर टू साइड के स्क्वायर के क्या होता है सम के बराबर होता है, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम टाइम टाइम पे बहुत ज्यादा यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। बट ये रिजल्ट आया कहां से, वैसे तो ये जो रिजल्ट है ये आपका प्रूफ होता है आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से, ट्राइंगल की सिमिलैरिटी पे, पर मॉडर्न मैथमेटिशियन इसको एक और तरीके से देखते हैं, मैं वो भी आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, इस पे मैंने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया स्मॉल ए, क्या ले लिया कोई पॉइंट स्मॉल ले लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी ये होगी सपोज आपकी स्मॉल एक्स, और ये दूरी होगी सपोज आपकी स्मॉल वाई, क्लियर है ना, यहां से गया ये आपका पॉइंट मैंने कहीं पे ले लिया स्मॉल एक्स दूरी, दूसरे पॉइंट से पॉइंट वाई दूरी। अब क्या कीजिए, सबको पता है कि स्क्वायर, स्क्वायर सभी लोग जानते हैं, वर्ग, वर्ग है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और इसका जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है तुम्हारा ए स्क्वायर होता है, क्या होता है क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, है कि नहीं, ठीक है। अब इसका क्या कीजिए, इस स्क्वायर को क्या कर दीजिए कंप्लीट कर दीजिए, सो दिस वन, क्लियर, स्क्वायर बन गया, जो त्रिभुज की साइड है वही साइड है, ठीक है, इसको भी ब्रेक कर दीजिए, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से y ले लिया, डिस्टेंस x हो गई, और ये डिस्टेंस आपकी y हो गई, ये डिस्टेंस x हो गई, और ये डिस्टेंस आपकी y हो गई यहाँ पे, और ये डिस्टेंस आपकी x हो गई, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, मतलब मैंने एक अलग अलग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से मिला सकते हो, ये मिल जाएगा, इस तरीके से मिला सकते हो, ये मिल जाएगा, इस तरीके से मिला सकते हो, ये मिल जाएगा, और इस तरीके से मिला सकते हो, ये मिल जाएगा, मिल गया, देखो ध्यान से, कुल मिलाकर आप देख रहे हो, मैंने एक अल्टरनेट ऑर्डर में बनाया, ये भी वाई हो गया, ये भी x हो गया, क्योंकि स्क्वायर की साइड क्या है तुम्हारी x plus y, x plus y, x plus y होगी स्क्वायर की साइड, और ये भी क्या है तुम्हारा, ये y है, ये क्या है तुम्हारा, ये आपका x है, ये क्या है तुम्हारा y है, ये क्या है तुम्हारा x है, हो गया भाई, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब ये क्या बन गए, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, चार एंगल कितने 90 डिग्री के, तो ये क्या बन गए आपके 1 2 3 4, चार राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, चार समकोण त्रिभुज बन गए, क्लियर है कि नहीं, ये x है, ये y है, 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 ठीक है ना। और ये चारों ट्रायंगल कैसे आपस में सर्वांग सम है, कैसे सर्वांग सम, सर्वांग सम कैसे, दो भुजाएं बराबर हैं, उनके बीच का एंगल भी बराबर है, तो ये जो है ये तुम्हारी साइड जो है ये भी जेड 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 की होंगे कि नहीं, जेड 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 की होंगे कि नहीं, और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक स्क्वायर ही बन गया जो रेड रेड है, ये भी क्या बन गया, एक वर्ग ही बन गया, क्या बन गया भाई, ये एक वर्ग ही बन गया, ये एंगल भी क्या होगा आपका 90 डिग्री का होने वाला, क्योंकि अगर 90 है तो ये थीटा है, ठीक है, ये 90 है तो इसमें एंगल थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, दोनों का सम 90 डिग्री, एंगल कितने का बचा 90 डिग्री का एंगल बचा, 90 डिग्री है, जेड 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 है, तो क्या बन गया तुम्हारा स्क्वायर हो गया, क्लियर है, गुड आउट, ये चारों एंगल क्या है आपके 90 डिग्री के, और ये जो रेड रेड है ये भी क्या बना, स्क्वायर बना, तो पूरे बड़े स्क्वायर का जो एरिया होगा वो इन चार ट्राइंगल के एरिया और छोटे स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा कि नहीं, तो पूरे बड़े स्क्वायर का जो एरिया है, बड़े स्क्वायर की साइड है x plus y, यानी कि x plus y का होल स्क्वायर, पूरे बड़े स्क्वायर का जो एरिया है, बड़े स्क्वायर की साइड क्या तुम्हारी x plus y, यानी कि x plus y का जो होल स्क्वायर है, वो चार राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के और छोटे स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना है 1/2 x into y, एक बटे दो आधार गुणा होता है, पर चार राइट एंगल ट्राइंगल का कितना हो जाएगा into 4, चार राइट एंगल ट्राइंगल कितना हो जाएगा into 4, ये चार राइट एंगल ट्राइंगल प्लस प्लस छोटू स्क्वायर, जो छोटे स्क्वायर बना जिसमें साइड का मानी मैंने जेड जेड जेड, साइड का मानी मैंने जेड, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा जेड स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर, क्लियर ना, एरिया से हम बात कर रहे हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर, देखो 2 से 4 दोबारा कट जाएगा, बराबर 2xy प्लस जेड स्क्वायर, 2xy से 2xy आपका कट गया, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया तुम्हारा जेड स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। अब क्या कीजिए, ये सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए, x y z और ये x y और ये तुम्हारा z, z इसके बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया, और यही क्या है तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना, क्लियर है, z इसके बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यही क्या है तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो इस तरीके से क्या है आपकी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो निकल के आती है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को, ठीक है। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए दूसरी बात, आगे बढ़ेंगे, यहां से चीजें देखते हैं, ठीक है,
ओके ना, अगर आप देखो तो लाइक जैसे मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल हो, त्रिभुज में सबसे बड़ी सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, सबसे छोटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं आपको समझाऊंगा। त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है और मिडिल वाले एंगल के सामने की भुजा लेंथ में भी क्या होती है, मिडिल में पड़ती है छोटे के और सबसे बड़ी साइड के, ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि ये है आपका एक ट्रायंगल ए बी सी, ये अभी मैंने एक्यूट माना है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें ये जो एंगल बी है, एंगल बी जो है ये क्या आपका लार्जेस्ट है, तीनों एंगल्स में क्या है सबसे बड़ा, तो एंगल बी के सामने जो साइड पड़ रही है दैट मींस ए सी, ये साइड ए सी भी क्या हो जाएगी आपकी लार्जेस्ट हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि त्रिभुज में ये जो एंगल ए है ये आपका स्मॉलेस्ट है, तो एंगल यदि स्मॉलेस्ट है और उसके सामने कौन सी साइड पड़ रही है बी सी, तो जो साइड बी सी है ये भी लेंथ में तीनों साइड से क्या हो जाएगी स्मॉल हो जाएगी, यानी कि ये भी क्या हो जाएगी आपकी स्मॉलेस्ट हो जाएगी। ये ट्रायंगल का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्लियर, कोई डाउट इसमें, आसान है। चलिए अगर आप इसको देखो ध्यान से तो मैं आपको समझाता हूं कि ये चीजें आई कहां से। आपको हर बात का बेसिक जानना है कि ये चीजें उत्पन्न कहां से होती हैं। जब आपको आप कुछ लोग कहते हैं कि सर प्रूफ प्रूफ ना बताओ, सीधा थ्योरी बता दो, डायरेक्ट रिजल्ट बता दो, जब आपको ये पता नहीं होगा कि वो चीज कहां से पैदा हो रही है तो आप उसका बेसिक कैसे जान पाओगे, वो जनरेट कहां से हो रही है, आप उसको ना क्वेश्चन में सही से अप्लाई नहीं कर पाओगे। लोग बार बार ये कहते हैं कि सर मुझे सारी थ्योरी पता है पर मैं क्वेश्चन में लगा नहीं पाता। तुम्हें थ्योरी पता है, तुम्हें रट्टा मार रखा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि थ्योरी जनरेट कैसे हो रही है, इसलिए आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते। आपको हर चीज का प्रूफ समझना कि वो चीज कहां से निकल के आ रही है, तब आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख पाओगे, क्लियर है ना, ठीक है। अब जैसे त्रिभुज में मैंने क्या बोला, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, सबसे छोटी होती है। अब जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी को देखा इसमें, ठीक है, और ये है यहां पे स्मॉल ए हो गया, आपका स्मॉल बी हो गया, आपका स्मॉल सी हो गया, क्लियर। अब ये जो है सपोज आपका ये एंगल ए ये लार्जेस्ट है, अगर एंगल ए लार्जेस्ट है तो साइड ए बी क्या होनी चाहिए आपकी लार्जेस्ट होनी चाहिए, क्लियर ना। अगर मैं कहूं कि सपोज आपका एंगल बी स्मॉलेस्ट है तो आपका साइड बी भी क्या होनी चाहिए, फिर स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। ये आया कहां से, ये आया है साइन रूल से, और भी तरीके हो सकते हैं प्रूफ करने के, ये आया कहां से, साइन रूल से। अब साइन रूल क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा कि साइन रूल होता क्या है। ये ट्रायंगल की कोई भी साइड लीजिए स्मॉल ए और उसके सामने के एंगल, उसके सामने का एंगल क्या है उसका अपोजिट एंगल, व्हाट ए साइड, साइड के अपोजिट एंगल क्या तुम्हारा, ये एंगल ए, सो ए अपॉन साइन ए, ए अपॉन साइन ए बराबर होता है। साइड ले लीजिए बी, तो ये साइड बी, साइड बी के सामने का एंगल क्या तुम्हारा, ये स्मॉल बी, बराबर किसके होगा तुम्हारा, बी अपॉन साइन बी के, बी अपॉन साइन बी के, क्लियर है ना। साइड ले लिया आप स्मॉल सी के सामने क्या है तुम्हारा अपोजिट, कैपिटल सी ना स्मॉल, तो ये कितना जाएगा तुम्हारा साइड सी अपॉन साइन ऑफ उसके अपोजिट एंगल का, यानी कि साइन सी, ए बाई साइन बी बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी, ये क्या होता है, यही आपका साइन रूल होता है, यही आपका साइन रूल होता है, ठीक है ना। और इसको मान लिया मैंने के, के मतलब एक कॉन्स्टेंट, ये क्या है एक कॉन्स्टेंट के, क्लियर ना, ये बराबर होता है कॉन्स्टेंट के बराबर होता है, और एक कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये होता है तुम्हारा टू आर, और आर क्या होता है तुम्हारा सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या। हर त्रिभुज के लिए कैसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होकर जाए, तो उसी ट्रायंगल की रेडियस होती है, उसी सर्कल की रेडियस होती है सर्कम रेडियस, तो ए बाई साइन बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी जो होता है वो टू आर होता है, के होता है कॉन्स्टेंट होता है, क्लियर है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं ए बराबर लिख सकता हूं के साइन ए, बी बराबर लिख सकता हूं के साइन बी, और सी बराबर लिख सकता हूं मैं के साइन सी, ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी, सी बराबर के साइन सी। अब के तो कांस्टेंट है, अब के तो कांस्टेंट है भाई, के तो कांस्टेंट है, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि अगर के कांस्टेंट है तो साइड ए साइड बी साइड सी किस पे डिपेंड करेगा, फिर एंगल्स पे, साइन ए साइन बी साइन सी पे, साइन ए साइन बी साइन सी पे डिपेंड करेगा। तो जिस एंगल का साइन जितना बड़ा वो साइड भी उतनी ही बड़ी, ध्यान से देखना, जिस एंगल के साइन की वैल्यू जितनी ज्यादा वो साइड भी उतनी ही बड़ी, जिस एंगल के साइन की वैल्यू जितनी ज्यादा वो साइड भी उतनी ही बड़ी, क्लियर ना। अगर आपने साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी हो तो साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इस तरीके से जाती है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। यानी कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलते हैं आपका क्या होता है, जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलते हैं आपका एंगल क्या होता है, वैल्यू क्या होती है उसकी बढ़ती जाती है, क्या होती है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यदि ट्रायंगल में सपोज आपका एंगल ए लार्जेस्ट है तो आपका साइड ए ये भी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, उसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। मैंने यही तो बोला कि अगर जैसे तुम्हारा ट्रायंगल ए बी सी है, स्मॉल ए है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, अगर एंगल ए लार्जेस्ट है तो साइड स्मॉल ए भी क्या होगी आपकी, लार्जेस्ट होगी, यही तो बोला हमने। अब होता कैसे कि अगर सपोज ये आपका है ट्रायंगल, और ट्रायंगल में ये एंगल सपोज 90 एक्यूट एंगल है, सपोज लार्जेस्ट एंगल जो तुम्हारा एक्यूट एंगल है, लार्जेस्ट एंगल एक्यूट एंगल है तो कुछ ना कुछ होगा 89 डिग्री 79 डिग्री, और लार्जेस्ट एंगल 89 डिग्री 79 डिग्री व्हाटएवर इट इज,
ठीक है 84 डिग्री 76 डिग्री 70 डिग्री व्हाटएवर इट इज होगा। अदर टू जो एंगल होंगे वो तो इससे छोटे होंगे, अदर टू जो एंगल होंगे वो क्या होंगे इससे छोटे होंगे, यानी कि सपोज लार्जेस्ट एंगल तुम्हारा 89 डिग्री का है सपोज, तो अदर टू एंगल होंगे वो तो इससे छोटे होंगे ना, और 89 डिग्री साइन 89 डिग्री की वैल्यू क्या होगी सबसे बड़ी होगी, और सबसे बड़ी होगी तो आपका साइड ए बी क्या होगी आपकी लार्जेस्ट होगी। अगर आपका ट्रायंगल में एक्यूट एंगल, ट्रायंगल आपका एक्यूट एंगल है और इसमें आपका लार्जेस्ट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है वो तो होगा 89 84 78 76 व्हाटएवर, तो बाकी जो अदर टू एंगल होंगे वो तो उससे छोटे होंगे, यानी कि आपके साइन ए की वैल्यू साइन 89 साइन 84 साइन 78 कुछ भी है अदर टू एंगल के साइन से तो बड़ा ही होगा ना, एंड साइड भी क्या होगी तुम्हारी लार्जेस्ट होगी। क्लियर है ना, अगर आपने देखा हो कभी गौर किया हो तो साइन थीटा का जो ग्राफ है वो इस तरीके से चलता है, इस तरीके से साइन थीटा का ग्राफ चलता है, ये 0 डिग्री का है और ये तुम्हारा 180 डिग्री का है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साइन के लिए इस तरीके से बढ़ती है और साइन 90 में मैक्सिमम होती है, फिर घटना शुरू होती है और साइन 180 पे फिर से क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। अच्छा छोड़ो, यदि किसी त्रिभुज में आपका जो लार्जेस्ट एंगल है वो सपोज ऑब्ट्यूस एंगल है, वो सपोज आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, क्लियर है ना, ऑब्ट्यूस एंगल मैंने आपका हद मान ली है सपोज 179 डिग्री का, ऑब्ट्यूस एंगल 179 डिग्री का है तो बाकी जो एंगल है वो तो बेचारे मर गए, फिर तो छोटे छोटे हो गए 0.5 0.5 0.4 0.6 इस टाइप से छोटे छोटे डिग्री हो गए, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया 179 डिग्री का, तब आपकी साइड ए की वैल्यू कितनी आएगी, साइड ए की वैल्यू आएगी तुम्हारी के साइन 179 डिग्री, और साइन 179 डिग्री का मतलब क्या होता है साइन 180 माइनस 1 डिग्री और साइन 180 माइनस थीटा का साइन थीटा यानी कि साइन 1 डिग्री के साइन 1 डिग्री आएगा कि नहीं। तो साइड ए की वैल्यू आई के साइन 1 डिग्री, ऑब्वियसली बात है कि यदि तुम्हारा एंगल 179 डिग्री का है तो बाकी अदर टू एंगल जो होंगे दोनों 1 डिग्री से छोटे छोटे होंगे, दोनों 1 डिग्री से छोटे छोटे होंगे, सपोज आपका पॉइंट 4 डिग्री का है तो दूसरा तुम्हारा पॉइंट 6 डिग्री का होगा, अब मुझे बताइए जरा ध्यान से, यानी कि तुमने इसमें के तो कांस्टेंट है साइन 1 बड़ा कि साइन पॉइंट 4 डिग्री बड़ा कि साइन पॉइंट 4 डिग्री बड़ा, ऑब्विय
डिग्री है, तो साइन 4 डिग्री के लिए सबसे छोटी होगी, तो उसके सामने की साइड भी क्या आई तुम्हारी सबसे छोटी आएगी। तो त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। और ये कहां से आया, इस साइन रूल से आया और ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है, आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये तो कौन सीधा सीधा नोट्स बनाते चलेंगे और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी थ्योरी बताने वाला हूं ज्योमेट्री में विद प्रूफ, विद एवरी सिंगल रिजल्ट प्रूफ, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है, और क्वेश्चन तो दमदार होंगे। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ एक बात बताया कि त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने भुजा सबसे छोटी, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास तीन ट्रायंगल हैं, एक तो है आपका ये सपोज एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, और एक है आपका दूसरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सपोज सबसे बड़ा जो एंगल है वो आपका ये है ना, ये एंगल ए बी सी, तो इसमें क्या है तुम्हारा एंगल सी, ये क्या है आपका लार्जेस्ट है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री है, तो स्मॉल सी हो गया, स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, तो सी स्क्वायर, इसमें क्या है आपका एंगल सी लार्जेस्ट है, इसमें क्या एंगल सी लार्जेस्ट है, आपका एंगल सी 90 डिग्री का है। क्लियर है कि नहीं? अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया तो अधिक कोण त्रिभुज आपका इस तरीके से होगा, तो एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, ए बी और ये सी, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है ना। दैट मींस इसमें क्या है आपका एंगल सी इसमें भी लार्जेस्ट है। तो अभी मैंने क्या समझाया, अभी मैंने ये समझाया कि त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, आप एंगल सी सबसे बड़ा, तो ये साइड ए बी क्या होगी लार्जेस्ट होगी, आप एंगल सी 90 डिग्री वाला सबसे बड़ा लार्जेस्ट होगी, और एंगल सी ये क्या होगी तुम्हारी एंगल सी के सामने आप क्या ए बी क्या होगी तुम्हारी लार्जेस्ट, तो ये लार्जेस्ट साइड इस तरीके से निकलेंगी एक्यूट के केस में, राइट एंगल ट्रायंगल केस में, ऑब्ट्यूस एंगल केस में। बट ये साइड तो है स्मॉल ए, ये है आपकी स्मॉल बी, ये है आपकी स्मॉल सी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में सबसे बड़ी भुजा स्मॉल सी है, और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से क्या होता है आपका छोटा होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से क्या होता है छोटा होता है, इक्वल भी नहीं आएगा, क्या आएगा हमेशा छोटा आएगा। क्लियर ना? एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से क्या होता है छोटा होता है, जबकि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो लार्जेस्ट साइड है यानी कि जो साइड ए बी जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के केस में एंगल सी है जो कि लार्जेस्ट है, ऑब्ट्यूस एंगल के सामने की साइड स्मॉल सी है, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो लार्जेस्ट साइड स्मॉल सी है, यानी कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के केस में अधिक कोण त्रिभुज के केस में अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से क्या होता है बड़ा होता है, यानी कि सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के केस में अधिक कोण त्रिभुज के केस में। क्लियर है? तो तीनों रिजल्ट मैंने आपको बताया, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का मैं प्रूफ आपको करवा चुका हूं,
ठीक है ना। अब देखते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर से छोटा क्यों होता है, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं यहां पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, न्यून कोण त्रिभुज की बात करूं, तो उसमें ये क्या है आपका, इस तरीके से एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये स्मॉल ए है, ये बी है, ये सी है, ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी, और ये क्या है आपका लार्जेस्ट है। क्लियर है कि नहीं, लार्जेस्ट है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको समझा दी है डिटेल में। यदि मैं वर्टेक्स ए से यहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डालता हूं, मैंने वर्टेक्स ए पे यहां से इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला, क्लियर है ना, तो ये क्या है, ये आपका पूरा स्मॉल ए है, ये क्या आपका पूरा स्मॉल ए है, ये आपका पॉइंट डी है, आपका 90 डिग्री का एंगल है, क्लियर है ना, ये आपका क्या है 90 डिग्री का एंगल है, क्लियर। और ये मैंने सीडी को क्या मान लिया, सपोज ये एक्स मान लिया, सीडी को मैंने एक्स मान लिया, तो बीडी क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा आपका ए माइनस एक्स, बीडी क्या हो जाएगा आपका ए माइनस एक्स, क्लियर है, बीडी क्या हो जाएगा आपका ए माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हाइट एडी जो है ये क्या हो जाएगी तुम्हारी एच हो जाएगी, सीडी को एक्स मान लिया तो बीडी तुम्हारा ए माइनस एक्स हो जाएगा, वो कंप्लीट बीसी का स्मॉल है। तो यहाँ पे अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी की बात करूं, समकोण त्रिभुज एबीडी की बात करूं, तो यहाँ पे सी स्क्वायर बराबर होना चाहिए तुम्हारा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, सी स्क्वायर बराबर होना चाहिए एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर से, यानी कि सी स्क्वायर बराबर आएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस एच स्क्वायर, बराबर आएगा कि नहीं, वो देखकर c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस h स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इधर है तुम्हारा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल ADC की बात करो तो ये x स्क्वायर ये h स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर किसके बराबर होगा तुम्हारा b स्क्वायर के, किसके बराबर होगा तुम्हारा b स्क्वायर के, और माइनस का 2ax, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ax, यदि मैं 2x को इधर शिफ्ट करूं तो c स्क्वायर प्लस 2ax बराबर आएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, क्लियर है ना, c स्क्वायर प्लस 2ax बराबर क्या आएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, क्लियर ना। अब राइट एंगल सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में तुम्हारा ये रिजल्ट आया, यानी कि देखो यहां पे c भी पॉजिटिव होगा, ट्रायंगल की साइड तीनों पॉजिटिव होती है, c भी ab b भी पॉजिटिव होगा, 2 भी पॉजिटिव होगा, a भी होगा x भी होगा, सब पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहां पे सबसे जो लार्जेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर है उसमें कुछ जोड़ने पर तुम्हारा क्या आ रहा है, अन्य दो साइड के स्क्वायर का सम आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। त्रिभुज में जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड है उसमें कुछ जोड़ने पर क्या आ रहा है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, कुछ जोड़ने पर तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं ये कुछ हटा लूं तो ये क्या होगा तुम्हारा, तो छोटा हो गया क्योंकि तुम्हारा कुछ क्या हो गया यहां से चला गया, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में जो तुम्हारा, यदि मैं यहां से कुछ 2x हटा दूंगा, इसको वैल्यू को कम कर दूंगा, इसका प्लस 2x की वैल्यू को कम कर दूंगा, 2x हटा दूंगा, तो लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है अदर टू साइड के स्क्वायर से क्या बचेगा, सम बचेगा, तो इस वजह से आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है कि कोई डाउट, इसमें आसान थी बातें, ठीक है, कुछ भी चीजें आपको रट्टा नहीं लगानी है, आपको सब कुछ बेसिक से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और अच्छा अगर इसी तरीके से मैं राइट एंगल ट्रायंगल केस में तो बता चुका हूं पाइथागोरस थ्योरम लगती है, यदि मैं देखूं तुमको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के केस में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के केस में, तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, मैंने क्या बोला कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के क्या होता है, सम से बड़ा होता है। तो जैसे ये आपका एक, ये जो है ये वाला, ये आपका एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसमें ये ए है, ये बी है, और ये क्या आपका सी है, साइड स्मॉल सी हो गया, ये साइड स्मॉल ए हो गया, ये साइड आपका स्मॉल बी हो गया, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डालूं, अगर मैं यहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डालूं, तो परपेंडिकुलर इस तरीके से डलेगा कि नहीं, और ये पॉइंट मान लिया मैंने डी, ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने डी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो हाइट एच हो जाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये क्या हाइट हो जाएगी तुम्हारी स्मॉल एच हो जाएगी, क्लियर है, हाइट स्मॉल एच हो गया, और इस सीडी को क्या मान लिया मैंने एक्स मान लिया, सीडी को क्या मान लिया मैंने एक्स मान लिया, सीडी को क्या मान लिया मैंने एक्स मान लिया, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो यहां पे तो राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी जिसमें तुम्हारा सी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, एच स्क्वायर, और ये पूरी कंप्लीट साइड कितनी होगी, ये पूरी कंप्लीट साइड कितनी होगी तुम्हारी भाई ए प्लस एक्स होगी, कंप्लीट साइड होगी ए प्लस एक्स, तो सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सो यहां से सी स्क्वायर बराबर आएगा तुम्हारा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ये एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, अगर तुम छोटू ट्रायंगल में फोकस करो तो ये जो है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, बी स्क्वायर के, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, बी स्क्वायर के, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, ये आएगा यहां पे सी ए बी ट्रायंगल की साइड है, एक्स आपका पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये है क्या, ये है सी स्क्वायर प्लस ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, यानी कि कुछ जोड़ के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कुछ जोड़ के तुम्हारा सी स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के केस में जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम में कुछ जोड़ने पे आ रहा है। यदि मैं तुम्हारा ये कुछ हटा लूं, यदि मैं तुम्हारा ये क्या है कुछ हटा लूं, यानी कि वैल्यू को क्या कर दूं, कम कर दूं, यानी कि तुम्हारी सी स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के केस में जो तुम्हारा लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, तो ये इस तरीके से आपका मैंने साइड भी रिलेशन बताया उनके स्क्वायर्स में, ठीक है, सिंपल सी बातें थी, और इसमें काफी सारी नई चीजें सीखने को, ये सब बात आप कोसाइन रूल से भी प्रूव कर सकते हो, कोसाइन रूल से। क्लियर है, सो कोसाइन रूल आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे निकालते हैं कोसाइन रूल, जैसे कोसाइन रूल मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल बी, ये साइड स्मॉल सी, और ये है आपका एंगल ए, तो यदि मुझे कॉस ए की वैल्यू लिखनी हो तो आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम, आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम
क्लियर है कि नहीं? आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम और अपोजिट साइड के स्क्वायर का माइनस, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आजू बाजू, ट्वाइस ऑफ बीसी, टू बीसी। तो ये होता है तुम्हारा कॉस ए की वैल्यू, ये होता है आपका कोसाइन रूल। मैं आपको इसका विद प्रूफ और सारी चीजें आपको समझाऊंगा डिटेल में। क्लियर है? कोई डाउट है? आप देखें ध्यान से देखते हैं, ये क्या है आपका, मैंने यहां पर बनाया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये ए बी सी, इसमें आपका ये एंगल सी है, ये क्या आपका लार्जेस्ट है, ये बनाया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, ये बनाया हमने राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ये क्या है एंगल सी 90 डिग्री है, ये बनाया मैंने ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ये क्या है अधिकोण त्रिभुज है जिसमें ये एंगल सी जो है ऑब्टूस एंगल है, लार्जेस्ट है। वो देखा आप, देखते क्या करते हैं, ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल सी हो गया, स्मॉल बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इसमें भी ये ए और ये सी और ये बी, कोई दिक्कत? चलिए अगर मैं इसमें कॉस ए की कॉस सी की वैल्यू लिखना चाहूं, कॉस सी की वैल्यू लिखना चाहूं, तो कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, यही वैल्यू आएगी कि नहीं? तो यहां पे यदि ये तुम्हारा कॉस, ये क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एंगल सी जो 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा होगा एंगल सी, 90 डिग्री से छोटा, कॉस 90 की वैल्यू मतलब 90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा एंगल सी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और पहले क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी कॉस सी क्या आएगा तुम्हारा पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव, अगर कॉस सी पॉजिटिव होगा क्योंकि एंगल सी आपका लेस देन 90 डिग्री है, तो कॉस सी की वैल्यू आएगी तुम्हारी पॉजिटिव आएगी क्योंकि कॉस सी किसमें होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यदि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव और 2ab भी आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव यानी कि समथिंग पॉजिटिव वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, तो समथिंग पॉजिटिव बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर को इधर लाओगे तो सी स्क्वायर प्लस समथिंग जोड़ के तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर में कुछ जोड़ के तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, अगर मैं कुछ को ही हटा लूं तो तुम्हारा सी स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर छोटा हो जाएगा इसका प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको कोसाइन रूल से भी देख सकते हो, कोसाइन रूल भी यही बताता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल केस में सबसे लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर से क्या है छोटा है, ठीक है भाई? चले अब राइट एंगल ट्रायंगल केस में देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मैं कॉस सी की वैल्यू लिखना चाहूं तो कॉस सी होगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू बी होगा, बट राइट एंगल ट्रायंगल केस में एंगल सी तो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है, तो एंगल सी 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी जीरो, तो ये कॉस 90 जीरो हो गया यानी कि तुम्हारा जीरो बराबर आया, टू ए बी की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो बराबर आएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी तुम्हारी ए स्क्वायर, सी स्क्वायर वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही क्या है तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम होती है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? गुड, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के केस में एंगल तुम्हारा सी है, सो यदि कॉस सी की बात करूं तो कॉस सी क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, और ये कॉस सी जो है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, ऑब्टूस एंगल है, ऑब्टूस एंगल है यानी कि एंगल सी जो है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, यानी कि जो एंगल सी है ये कहां है आपका, आपको कहीं दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है तुम्हारा निगेटिव होता है, तो कॉस सी निगेटिव होगा, निगेटिव इंटू टू ए बी पॉजिटिव, तो रिजल्ट आएगा निगेटिव रिजल्ट आएगा, बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को इधर लाओगे तो सी स्क्वायर माइनस समथिंग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर में से कुछ घटा के बाद तुम्हारा सी स्क्वायर में से कुछ घटाने के बाद, सी स्क्वायर में से यहां पे के कुछ घटाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा ना, कुछ घटाने के बाद तुम्हारा इसका प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, यदि मैं इसको के को हटा दूं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा सी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा इसका प्लस बी स्क्वायर से। क्लियर? गुड डाउट इसमें? आसान है। तो ये तीन चार मैंने आपको बातें सिखाई, आप एक तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन बताया, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कौन सबसे बड़ा, सबसे छोटी भुजा के सामने का कौन सबसे छोटा, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में उनकी साइड के स्क्वायर में क्या रिलेशन है, ये सब मैंने आपको बताया, ठीक है? अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं और वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय।